हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी एंड वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कि इज एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड इज रियली वैलिड इन इंडिया। ओके फ्रेंड्स, सो बहुत सारे जो इस इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाके एमबीबीएस करते हैं, जैसे कि किर्गिस्तान हो गया, चाइना हो गया, यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, फिलीपींस हो गया, रशिया हो गया, और बहुत सारी कंट्रीज़ में जो इंडिया के बच्चे बाहर जाके एमबीबीएस करते हैं और वहाँ से अंडर ग्रेजुएशन एमबीबीएस करके और इंडिया आके एग्ज़ाम देते हैं, जो जनरली एनजेए का एग्ज़ाम होता है। बट वो अभी सुनने में आया है कि इंडियन गवर्नमेंट उसको नेक्स्ट करने जा रही है। तो ये क्या रियली वैलिड है? एमसीआई ने इसको क्या अप्रूव किया हुआ है सही में? आप बाहर जाके किसी कंट्री में आप अपना एमबीबीएस कर सकते हो और करने के बाद आप इंडिया में वापस आओ और अपना प्रैक्टिस करो। तो ये आज का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आज हम ढूंढेंगे। एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बहुत आपसे, मेरे से भी, मेरे से पहले बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ मैं जो बाहर से एमबीबीएस करके और इंडिया में पीजी करके और वो अभी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं। आप चाहो तो अपने अपने सिटीज़ के हॉस्पिटल्स में पूछ सकते हो कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं, उन्होंने जो इंडियन मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे पीजी करके और नॉर्मली वो अपना हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं अभी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो इंडियन स्टूडेंट हैं, जो इंडियन मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं और जो बाहर अब्रॉड में किसी भी कंट्री में पढ़ते हैं, सारे बच्चे, कई बच्चे यूएसएमएलए की प्रिपरेशन करते हैं। यूएसएमएलए में भी ऐसा ही है, जो यूएस की गवर्नमेंट है वो कहती है कि आप यूएस में पढ़ो या यूएस से बाहर पढ़ो, सबको एक एग्जाम देना है यूएसएमएलए। सही, इंडिया में भी कहीं भी पढ़ो, बस आपका जो कॉलेज है वो एमसीआई रिकॉग्नाइज होना चाहिए और आप आके फिर आप वहाँ पे पढ़ो और फिर आके आप इंडिया में टेस्ट दो और अपना प्रैक्टिस करो इंडिया में। ठीक है, आप इंडिया से बाहर एमबीबीएस करने जाते हो किसी भी कंट्री में, तो सबसे पहले जब आप एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेने से पहले आपको एक काम करना है यहाँ पे कि आपको सबसे पहले एमसीआई की वेबसाइट पे जाना है, जो एमसीआई इंडिया है उसकी वेबसाइट पे जाना है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। फिर यहाँ पे देखो एमसीआई इंडिया की वेबसाइट खुल गई है, मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे एमसीआई इंडिया की वेबसाइट खुल के आ गई है और इस पर आप जो इंडियन मेडिकल कॉलेज है वो वैलिड है कि नहीं, इसको देखने के लिए आप नीचे आओ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर स्टूडेंट्स लिख के दिया हुआ है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ द कॉलेज टीचिंग एमबीबीएस, आप इस पर क्लिक करो और जितने भी, सो यहाँ पे आपको खुल के आ गया लिस्ट ऑफ कॉलेजेस टीचिंग एमबीबीएस इन इंडिया। सो आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको चेक करना है कि कौन कौन से कॉलेज हैं जो फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस कराते हैं जो एमसीआई से रिकॉग्नाइज्ड है, वो आप कैसे चेक करोगे, तो आपको यहाँ पे लिस्ट में ऊपर आना है, इस पेज पे आपको ऊपर आना है एमसीआई की, और यहाँ पे देखो इंडियन एंड फॉरेन क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है मोर पे और आपको एक पेज इसके बाद एक खुल के आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी फॉर एमबीबीएस या इक्विवेलेंट कोर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे नीचे आओ और यहाँ पे देखो राइट साइड में सर्च बार दिया हुआ है, आप इस पे उस कंट्री का नाम सर्च कर लो, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल मैं किर्गिस्तान सर्च करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किर्गिस्तान से रिलेटेड जितने भी यूनिवर्सिटी थी जो एमसीआई से रिकॉग्नाइज है, जहाँ पे आप जाके एडमिशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो अब्रॉड में, जिस कंट्री में, अगर वो इस लिस्ट में आती है और आप फिर वहाँ पढ़ने जा सकते हो। ठीक है, फिर जब वहाँ से आप वापस आते हो, फिर आप इंडिया अगर वापस आते हो तो आप इंडिया में लाइसेंस एग्जाम दे के और अपना प्रैक्टिस कर सकते हो आप इंडिया में नॉर्मली। ऐसे ही अगर मान लो मैं अगर सर्च करता हूँ यूक्रेन के कॉलेज जो कौन कौन से यूक्रेन कॉलेज एमसीआई से एफिलेटेड है, तो देखो यहाँ पे सारी यूक्रेन के कॉलेजेस के नेम आ गए, यहाँ पे 16 कॉलेजेस के नेम आ गए हैं, ये एमसीआई से एफिलेटेड है। अगर इसमें किसी कॉलेज का नाम नहीं है तो एमसीआई से अप्रूव नहीं है, आप बिल्कुल भी एडमिशन मत लो उसमें। ठीक है, सो मैं ऐसा बोलूँगा कि जो भी लोग डीमोटिवेट कर दें कि आप बाहर पढ़ने मत जाओ, वहाँ की डिग्री वैलिड नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। आप बिल्कुल बाहर जा सकते हो पढ़ने, आप बाहर जाओ फिर आओ आप इंडिया में, अपना एंट्रेंस लाइसेंसिंग एग्जाम है जो भी रहेगा वो एमसीआई रहेगा या नेक्स्ट रहेगा, आप क्लियर करो और आप अपने इंडिया में आराम से वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी नेटिव कंट्री से बाहर कहीं भी किसी कंट्री में जाके करते हो एमबीबीएस,
तो आपको अगर आप दूसरी कंट्री एक्सचेंज करना चाहते हो, दूसरी कंट्री में जाना चाहते हो, तो आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। आप यूएस जाओ, यूएस से मिल ही देना पड़ेगा। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, यूके में जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ का आपको मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, वो आपको ज़रूर देना पड़ेगा। तो मैं ये बोलूँगा कि आप एग्ज़ाम से बिल्कुल भी मत घबराओ, ठीक है। देखो, मैं अपना डिसीजन, लाइफ का डिसीजन खुद लेता हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लो। हर जगह आप पता करो, सबसे बात, सबसे इन्फॉर्मेशन लो, हर जगह से इन्फॉर्मेशन लो, और फिर आप खुद अपने से डिसीजन लो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू नेक्स्ट वीडियो।